अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक और नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद करती हूँ। मैंने कहा आज अपनी लाइन चेंज करूँ, रोज़ एक लाइन बोलती हूँ तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुन सुन के। आज माशाल्लाह से 17 रोज़ा है और बस अब थोड़े से ही रोज़े रह गए हैं। नए देखने वाले सारे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि फ्री है, किसी को कोई पैसे शैसे नहीं लगते और इस तरह जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत करके वीडियोस बनती हैं, एडिट होती हैं, वॉइस ओवर होता है और फिर थंबनेल भी बनता है। दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और जब कभी ये मेरे व्लॉग में सामने आते हैं तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें। देखिए सरपाश खोजे मार कैसे मेरे सामने गुलाब जामुन खा रही है। और ये गुलाब जामुन रात को मेरा भाई लाया था स्वीट पैलेस से, तो उस टाइम ये सो चुकी थी और इसको भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो अभी फिर मैंने इसको दिन को एक दिया है जो कि ये खा रही है और फिर अभी मोहम्मद को भी देगी और वो भी इतने मज़े से खाएगा इसको। देखें कैसे खाने की कोशिश कर रहे हैं गुलाब जामुन को। आज मैंने इफ्तारी के काम की वीडियो नहीं डाली व्लॉग में और ये मैंने एक पास्ता बनाया था, साथ में दूध बॉयल हो रहा और मम्मा बना रही हैं पकोड़े। कभी कभी ऐसा होता ना कि इंसान को कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है बैठे रहे बैठे रहे, तो आज मेरा कुछ ऐसे ही दिन था। मैंने काम किए हैं, इफ्तारी का सारा सामान बनाया था मैंने, पास्ता बनाया था, फ्रूट क्रीम बनाई थी, दही भले बनाए थे और उसके अलावा पकौड़े मम्मा बना रही थी और वही स्टफ डेट्स जो हमारी रोज़ की होती है सारा कुछ मैंने करके रखा था, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी। और आज बस मैं थोड़ी सी अपसेट थी, शायद मैं अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। सारी बात है 4 मंथ्स हो गया अब उनके बगैर हमें। तो फिर ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर से काम लिए जाओ, तो तुम्हारा ये सबर अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकत पर रंज ना करो और ना इनकी चालबाजियों पर दिल तांगो, अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते और एहसान पर अमल करते हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह का जो हुक्म मान लेता है फिर अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में आपकी मदद करें तो फिर आपने क्या करना है, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है और दूसरों पर एहसान करना है और सबर करना है। इंशाल्लाह 15वां पारा सूरह बनी इसराइल और इसका एक नाम सूरह इसरा भी है। और ये जो है ना मेराज का सफर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का ज़हनी सफर था ना वो इसरा है, और जो मेराज है ना वो आसमानी सफर है, ठीक है। और उसकी सील जो है वो सूरह नजम में आई है, ये आपका जमीनी सफर के जिस तरह। मैं अपनी ग्राइंड क्लास का छोटा सा क्लिप बीच में डाल देती हूँ व्लॉग के, ताकि आप लोग भी कोई बात सुने और उसमें अमल करें तो उसका जवाब मुझे भी मिलेगा। तो ये हमारी इफ्तारी का टेबल और इफ्तारी का टाइम हो रहा है और अब ये है रोज़ा खोलने के बाद के मनाजर और ये टेबल की आप हालत से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ खाया जा चुका है। अफ्तारी के बाद मैंने सारा किचन समेटा, बर्तन शर्तन धोए और अब चाय बना रही हूँ और चाय के साथ फिर हम खाएंगे मेरे पसंदीदा स्वीट पैलेस के गुलाब जामुन। मुझे वैसे गुलाब जामुन वैसे पसंद है काफ़ी, बट मुझे ना स्वीट पैलेस के मेरे फेवरेट हैं। बाकी बेकरीज के भी अच्छे होते हैं बट ना स्वीट पैलेस वाली बात ना किसी और बेकरी की नहीं होती, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे स्वीट पैलेस के बहुत पसंद है। ये ऑलमोस्ट हाफ के जी का बॉक्स रात को आया था जिसमें से 2 गुलाब जामुन मैंने रात को खाए थे, दिन को एक जरबाश ने खाया था और बाकी अब ये सिर्फ 5-6 बचे हैं, ठीक है। इतने महंगी होगी मिठाई और आता क्या है, तो अब ये सारे मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, सारे अब अभी हम ख़त्म कर देंगे और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके बाद क्या खाऊँगी। ये क्या हो रहा है पाश? ये थे मेरा आज का छोटू सा व्लॉग और व्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा और रमज़ान के बाबरकत महीने से भरपूर फ़ायदा उठाएं, खूब सारी बातें करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।